श्रावस्ती के इकौना देहात सचिवालय में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की अध्यक्षता में मनाई गई अंबेडकर जयंती कई रहे मौजूद। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना देहात सचिवालय में आज अंबेडकर जयंती ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मेश यादव उर्फ धम्मा की मौजूदगी में मनाई गई। इस दौरान लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को नमन किया, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। श्रावस्ती जनपद के इकौना नत्थापुरवा सचिवालय की ये तस्वीरें, जहां पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सुमित चौधरी, मायाराम यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य, सदावृक्ष यादव, नंदलाल यादव, गिरवर लाल यादव, भोलू यादव, वासुदेव, सत्यराम यादव, महेश, अलाउद्दीन आदि लोग मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना देहात सचिवालय की ये तस्वीरें, जहां पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके साथ साथ जिले के अन्य स्थानों तथा जिले के प्राथमिक विद्यालय व अन्य स्थानों पर भी अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्रावस्ती जनपद का ये मामला, इस दौरान मौके पर मौजूद सुमित चौधरी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की जयंती है, जिसे धूमधाम से मनाया गया। उनका जन्मोत्सव था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं और इस विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं। हम लोगों ने उनकी जयंती आज मनाई है हर्षोल्लास के साथ में, और हम चाहते हैं कि बाबा साहेब को सब लोग नमन करें और देश में बाबा साहब का कानून स्थापित हो।